ये इसकी ड्राइंग है, ठीक है। अगर अच्छा मैं कोई बताएगा इस ड्राइंग को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, चलो बताओ, मत मैं ही बताता हूँ। देखो इसमें तीन पार्ट में हम इस ड्राइंग को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो है ये कंक्रीट वाला हिस्सा, एक है रिइंफोर्समेंट वाला हिस्सा, एक है ये टेक्स्ट। ऑटोकैड की ड्राइंग के पर्पस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ये है टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इस ड्राइंग में, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो इसी तरह हम तीन लेयर में इस ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक है। तो लेयर कैसे बनाते हैं ऑटोकैड में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा इस ड्राइंग के बारे में पता कर लेते हैं। ये आइसोलेटेड फुटिंग है, स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग वो होती है जो सिंगल कॉलम के लिए बनाई जाती है। ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये फुटिंग का बेस है, यहाँ पे एक कंक्रीट की फाउंडेशन है, बेस है, पहले लेयर लगाई गई, उसके ऊपर फुटिंग है, उसमें ये रिइंफोर्समेंट है। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे इसी का ये प्लान है। ऊपर जो था वो एलिवेशन था और नीचे जो है प्लान है, टॉप व्यू। तो आपको ये जो देखोगे आप, ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है, ये जो है आपका, ये स्टीरअप है कॉलम की, और ये जो आपका ब्लैक ब्लैक डॉट है ये रिइंफोर्समेंट है जो ऊपर की ओर आ रहा है, मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जो आपका डैश डैश लाइन है स्लोप दिखा रहा है, और ये जो आप बार्स हैं ये वाले और ये वाले, ये वाले बार्स हैं। ठीक है, इन सभी की डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि ये दे रहा है यहाँ पे, फोर नंबर ऑफ बार्स 20 mm डाया, ठीक है। ये जो है आपके चार बार यूज किए गए हैं आपके, कितने 20 mm के, और ये बार हैं 16 के, और जो स्टीरअप है 6 mm के। इस तरीके से हैं, चार बार हैं आपके 20 mm के, फिर ये वाले चार बार हैं आपके 16 mm के, और जो इनमें स्टीरअप बांध दी गई है वो है आपकी 6 mm की, ठीक है। 24D का मतलब है जो मेन बार का डाया है, 20 mm ले लीजिए, 24 × 20 ये डिस्टेंस मिल जाएगी। इस तरह 12D, और ये सेंटीमीटर में दी हुई है आपकी डेप्थ, और ये विड्थ दी हुई है मीटर में, ठीक है। कंक्रीट का रेशियो दिया हुआ है, जिस कंक्रीट के रेशियो से ये हमारी बेस इसका तैयार किया गया है, ठीक है। एक लेयर बिछाई गई कंक्रीट की, ये थिकनेस दी हुई है। तो इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, इस सब की हेल्प से हम ऑटोकैड में इसको बन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा लेयर बनानी है, ठीक है। तो लेयर के लिए सबसे पहले आप टाइप करोगे LA और एंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो LA प्रेस करता हूँ, LA, ठीक है, और एंटर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट होता है LA एंटर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो आप, पहले से एक लेयर बनी हुई है जिसका नाम है जीरो। उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज है और बाद में बताऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इधर। तो लेयर का नाम है जीरो, तो उस लेयर को हाइड करना है कि अनहाइड करना है, उसका कलर क्या होगा, उसकी लाइन की थिकनेस क्या होगी, ये सब डाटा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको तो रहने देता हूँ डिफॉल्ट को, मैं एक और लेयर बनाता हूँ यहाँ से। यहाँ से आपको एक और लेयर बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो लेयर बन गई। लेयर का नाम लिखता हूँ मैं CONC कंक्रीट। एक और लेयर बनाता हूँ मैं स्टील, जो उसमें स्टील डला हुआ, जब उसको ड्रॉ कर, और टेक्स को कर देता हूँ ब्लू या रेड कर देते हैं, ठीक है। तीन हो गए। अब एक बार मैं कंक्रीट पे डबल क्लिक करूंगा तो उस पर टिक लगा जाएगा, ग्रीन टिक। इसका मतलब अब ये वाली लेयर काम कर रही है। अगर मैं इस पर लाइन बनाता हूँ कोई, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाइट लाइन बनी है, क्योंकि इसका टेक्स्ट का कलर वाइट है इस वाली लेयर का।
अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी लेयर एक्टिवेट करता हूँ स्टील वाली, डबल क्लिक से ग्रीन टिक आ गया। अब मैं लाइन बनाता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रॉ हुई है, यानी कि ये वाली कौन सी लेयर है आपकी, स्टील की लेयर है। अब मैं दोबारा टेक्स वाली लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ और एक लाइन बनाता हूँ, एल से लाइन, एंटर और ड्रॉ। तो ये इस लाइन का कलर क्या है, रेड, क्योंकि इस लेयर का नाम कलर क्या है, रेड, ये है टेक्स वाली लेयर। तो इस तरीके से लेयर पे हम काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बल्ब पे क्लिक करूँ कंक्रीट वाले पे, तो ये वाली लेयर हाइड हो जाएगी हमारी, देख रहे हो, वाइट वाली को देखो, हाइड एंड हाइड, हाइड एंड हाइड। इस तरह स्टील वाली को करूँ मैं हाइड एंड हाइड, हाइड एंड हाइड। लेकिन जब मैं टेक्स वाली को करूँगा, क्योंकि वो एक्टिवेट है अभी, तो ये थोड़ा सा एक वार्निंग देगा, ये देखो वार्निंग दे दी, इसको भी हाइड एंड हाइड कर सकते हो, तो एक बार बस वार्निंग देगा, क्योंकि हमारी सिलेक्ट यही है अभी। तो इस तरीके से हम तीनों लेयर पे हम ड्राइंग को बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो आपको बिना टेक्स्ट के ड्राइंग का, सॉरी, बिना टेक्स्ट के आपको ड्राइंग का प्रिंट आउट चाहिए, तो आपको सिंपल टेक्स्ट वाली जो लेयर को हाइड करना है आपको मिल जाएगा। आपको बिना रिइंफोर्समेंट के स्टील के चाहिए ड्राइंग, तो आपको बस क्लिक करना है, हाइड करना है और आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था आपका लेयर का कॉन्सेप्ट। तो तीन लेयर हम बना चुके हैं, क्योंकि हमें पहले कंक्रीट बनाना है, तो मैं कंक्रीट की लेयर पर डबल क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर देता हूँ। और इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, अब ये तीन लाइन है, इनको इरेज करना है, तो इरेज के लिए ई आर ए एंटर, तो मैंने ई आर ए एंटर सेलेक्ट किया और फिर एंटर, ठीक है, तो ये इरेज हो गया। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा बोर लगे, क्योंकि उनको आता होगा ऑटोकैड, लेकिन ये वीडियो क्लास उन सबके लिए जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है कि, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इरेज कर दिया। अब बात आती है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें बनाना, ठीक है, ड्राइंग को एक बार देखते हैं। ये फुल ड्राइंग में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि तीन लेक्चर हैं, तो तीनों लेक्चर में हो जाएगी, ठीक है। तो फुल ड्राइंग ये है आपकी, सबसे पहले हम एलिवेशन ही बनाएंगे। एलिवेशन होता है फ्रंट व्यू, ये एलिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ अभी, सेम ऐसे लिखना भी है हमें सब चीजें, ठीक है। तो क्योंकि यूनिट क्या डिसाइड करनी है, ठीक है, यूनिट डिसाइड, जो भी आप ड्राइंग जब बनाना स्टार्ट करते हो, तो उस ड्राइंग में देखा करो कौन कौन सी यूनिट यूज की गई है। यहाँ पे एमएम यूज की है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज की है, यहाँ पे मीटर यूनिट यूज की है। तो मैं सबसे जो छोटी यूनिट यूज की है उसी से बनाऊंगा, यानी कि एमएम से, तो मैं एमएम से बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर एमएम से मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, तो एमएम से नीचे कोई यूनिट तो यूज हो नहीं रही है इसमें, तो मुझे जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन यानी जीरो के बाद कितने डेसिमल तक काम करना है, वो जीरो रखना होगा, यानी कि एक भी डेसिमल नहीं चाहिए मैं जीरो के बाद, क्योंकि एमएम से नीचे तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा इसमें, आप देख सकते हो, ये फ़ायदा होता है, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो सबसे पहला कि मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ, तो यूनिट के लिए यू एन एंटर, यू एन एंटर, यू एन एंटर, यहाँ पे डेसिमल ही रहने दो, यहाँ पे प्रिसीजन देखो मैं जीरो कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटी यूनिट में यूज कर रहा हूँ, उससे छोटी तो होगी नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी नहीं, तो मेरे को सही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी टाइप करने में, ठीक है। और यूनिट मिलीमीटर, इसको ओके कर देना, ठीक है। क्या क्या चेंज करना है, अगर सबसे छोटी डेसिमल, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मिलीमीटर, ठीक है, बस इसको ओके कर देना। आवाज और स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो तो मेरे को बता देना। तो यूनिट सेट हो चुकी है, नेक्स्ट, अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा बेस, ये बेस,
8 सेंटीमीटर यानी कि 80 mm, और ये 203 2300 mm इसकी विड्थ। ठीक है, सिंपल है, ये बॉक्स बनाना है हमें एक ऐसा। तो एल से लेंथ क्लिक किया, अब मैं माउस को जैसे हिला रहा हूं तो ये लाइन भी वैसे ही रोटेट हो रही है उस पॉइंट के अबाउट जिस जो पॉइंट हमने सबसे पहले लगाया है। और जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो इसमें क्या आ रहा है आपका, दो वैल्यू आ रही हैं। एक मिनट, एक तो आ रहा है इस लेंथ की, इस लाइन की लेंथ, एक आ रहा है एंगल। ठीक है, क्योंकि हमें सीधी लाइन बनानी है तो लेंथ तो होगी 2300 mm, मैं 2300 डालूंगा इसमें, और एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एक तरीका तो ये है सीधी लाइन बनाने का कि दोनों चीजें वैल्यू पुट कर दो। एक है ऑर्थो, ऑर्थो होता है F8 से आपका ये एक्टिवेट हो जाता है जब लाइन केवल या तो वर्टिकली जाएगी या हॉरिजेंटली ड्रॉ होगी केवल। ठीक है, दोनों तरीके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मेरे को 2300 डालना है, ठीक है, लेंथ के लिए टैब दबाऊंगा मैं कीबोर्ड का टैब बटन, तो ये चला जाएगा आपका एंगल में वैल्यू डालने के लिए। एंगल डाल देता हूँ 0, हो गई ना सीधी लाइन। ठीक है, अब स्क्रीन से भी ज़्यादा बड़ी जा रही है तो मैंने जूम आउट कर लिया इसको, ये आ गई। ठीक है, ये जो आपका एक्स वाई इस पे क्लिक करके कोऑर्डिनेट जो है इनको उठा के थोड़ा अलग रखता हूँ जो ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ और दोबारा से लाइन में ऑर्थो से बना के दिखाता हूँ। तो एल एंटर, पॉइंट लिया, लाइन हिल रही है तो मैंने F8 प्रेस किया, सीधी जा रही है वर्टिकली या हॉरिजेंटली। अब मैं 2300 पुट करूंगा, एंटर, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, F8 ऑफ कर देता हूँ मैं, ये हो गया। तो इसकी वेट थिकनेस कितनी है, क्योंकि बेस बना रहे हैं हम 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर ना लेकर मैं पूरी ले लेता हूँ, ये कितना है 30 और 80, 380 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसा बॉक्स मिल जाएगा, बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको इरेज कर देंगे, और यहाँ पे हम एक ऑफसेट मार लेंगे। ऑफसेट भी बताता हूँ मैं क्या होता है, तो 380 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एल से लाइन यहाँ पे क्लिक किया और ये आ गया 380, एंटर, फिर ये सीधी लाइन 2300, टैब दबाकर 0 डिग्री, और फिर ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे को बॉक्स मिल गया 2300 mm बाय 2300 mm, 2300 mm बाय 380। अब ऑफसेट कैसे करते हैं, अब मेरे को चाहिए 80 mm की लाइन यहाँ पे, ये थिकनेस 80 mm। तो इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा 80 mm के डिस्टेंस पे, इसी को बोलते हैं ऑफसेट। तो मैं ओ प्रेस करूंगा, 80 डालूंगा, लाइन को सिलेक्ट करूंगा और फिर ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे, ओ एंटर, 80 एंटर, इस लाइन पे क्लिक किया फिर ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको मेजर यहाँ से करते हैं, इससे लीनियर डायमेंशन से डिम लीनियर, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और छोड़ दिया। डायमेंशंस बहुत छोटी लिखी हुई आ रही है, इसको ठीक कैसे करते हैं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, जूम करता हूँ तो आप देखोगे 80 mm लिखा हुआ होगा। ये रहा 80 mm। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनोटेशन में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये एनोटेशन का बॉक्स है ये। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, और इसकी प्रॉपर्टीज में सेकंड वाली जो है डायमेंशंस की है लीनियर, इस पे क्लिक करूंगा तो उसका प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मॉडिफाई,
तो ये खुल जाएगा। अब मुझे जो टैक्स लिखा था ना 80 mm जो आ रहा है मेजर करने पे, इसको बड़ा करना है, तो देखो ये टैक्स हाइट है, ठीक है। टैक्स हाइट क्या होती है इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसको एक बार कैंसिल करके थोड़ा सा टैक्स हाइट का बता देता हूँ मैं पहले, फिर इसको दोबारा से ले आएंगे। देखो मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है मेरा, वो जो टेक्स्ट है वो कम से कम इतना बड़ा तो लिखा है, इतना बड़ा, ठीक है। अब मैं इसको मेजर करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लाइन कितनी बड़ी है। थोड़ा सा इधर लिखता हूँ जो लिखा हुआ देखिए, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए 24, देखो यहाँ पे आपको 24 22 लिखा हुआ आ रहा है कि 22 होना चाहिए हाइट। अब मैं 22 कर दूंगा ना इस 80 mm को, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो मैं दोबारा उस प्रॉपर्टी पे गया, क्लिक मॉडिफाई, और यहाँ पे जो टेक्स्ट की हाइट दी हुई थी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 22, और मैं सिंबल एंड एरो में टैब में जाता हूँ और एरो का साइज भी कर देता हूँ 22। ओके सेट क्लोज, ये देखो ठीक है। दोबारा से हम उस प्रॉपर्टी पे जाने के लिए क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एंटर मार वहीं पे चला जाएगा। और टैक्स का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, 16 कर देता हूँ। ओके सेट क्लोज, ठीक है ये सही है, 80 दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो 80 mm हो गया है। इसको मैं यहाँ ना लिख कर इरेज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा जहाँ पर वहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका 80, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझो, 80 जो मैं इसमें डायमेंशन शो कर रहा हूँ आप ड्राइंग में देखोगे तो यहाँ पे गैप है। देखिए आपको ड्राइंग बनानी, कुछ लोगों को ऑटोकैड आता होगा, लेकिन इसमें मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लैब में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि 3 लेक्चर हैं आगे जाके, तो 3 लगातार होंगे नहीं, तो इसमें टाइम है, इसलिए मैं सब छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, तो सीखनी चाहिए। यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर है ये, इसमें जहाँ से मेज़र किया हुआ यहाँ पे गैप है, और जो एरो से इधर वाली लाइन है और एरो से जो इधर वाली लाइन है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप अपनी ड्राइंग में, क्योंकि हमारी ड्राइंग में तो जो मेजरमेंट है बिल्कुल चिपक के आ रही है ड्राइंग से, है ना। तो मैं दोबारा से एंटर मारता हूँ, एंटर मारने से तो नहीं जाएगा, एंटर मारने से जो लास्ट कमांड यूज किया वहीं पे वापस चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे गया मॉडिफाई, टैक्स का साइज ठीक कर लिया, एरो का साइज ठीक कर लिया, प्राइमरी यूनिट में 0 कर लिया प्रिसीजन। अब लाइंस में जाओ, ये कह रहा है एक्सटेंड बियॉन्ड दी डिम लाइन ऑफसेट फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि मान लो आप इसको मेजर कर रहे हो और ये मेजर किया 80, ठीक, ये वाला, और ये वाली जो लाइन है एक्सटेंड हो रही है ये हो गया ये वाला, ठीक है। तो हमें यहां से इसको करना है, तो मैं रखता हूं कम से कम 15 15, ठीक है। ओके सेट क्लोज, ये देखो ठीक है, अब सही है, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बनाना है इसमें। ये जो मैं ड्राइंग को ऐसे उठा के इधर उधर रख रहा हूं ना ऐसे, ये मैं माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो ये पेन वाला बटन आ जाता है, पेन आइकन हैंड का, और कहीं भी उठा के हम रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बेस को पूरा तैयारी कर लेता हूँ, बेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये बेस में हैचिंग है कंक्रीट की, एक तो इसको ठीक करता हूँ, और एक यहाँ एरो देके यहाँ पे लिखा हुआ है सी डॉट कंक्रीट,
और उसका रेशियो लिखा हुआ है, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं बेस को, ठीक है। हैचिंग सी डॉट कंक्रीट 148। हैचिंग का मतलब होता है किसी क्लोज एरिया को फिल करना, तो क्लोज एरिया ये है, तो सबसे पहले मैं क्या प्रेस करूंगा, एच ए हैचिंग, एंटर, फिर क्लोज एरिया पे क्लिक करूंगा, फिर पैटर्न में सेलेक्ट करूंगा ऊपर से, ठीक है। तो देखो यही मैं करूंगा, एच ए एंटर, मैंने यहां पे बेस पे क्लिक किया, तो यहां पे वाइट वाइट आ रहा है, मैं यहां पे जाके सिलेक्ट करूंगा कंक्रीट, ये रहा कंक्रीट, यहां पे आप देख सकते हो, इस पे क्लिक किया तो कंक्रीट आ चुका है, एंटर मार दिया। बट बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स की, देख रहे हो, है तो कंक्रीट का ही हैचिंग, बट जूम करने पर ठीक दिखाई दे रहा है, पर जूम आउट करने पर ये बहुत डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है कंपेयर टू हमारे ड्रॉइंग के। तो मैं एच ई प्रेस करूंगा एडिट करने के लिए हैच को, एच ई एंटर, हैच एडिट, तो एच ई एंटर, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गई एक विंडो, और यहां पर है आपका स्केल, ठीक है, ये स्केल से हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो मैं स्केल इसको अगर मैं 20 करता हूँ, 50, और ओके करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम हो गई। तो दोबारा मैं हैचिंग पे जाता हूँ और इसको करता हूँ मैं 2, ओके, 2 कम डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी है, इसको कर देता हूँ मैं 10, तो 10 ठीक है ना, 10 हमारी उसके जैसी लग रही है। तो ये थी हमारी हैचिंग, ठीक है। अब हैचिंग के बाद यहाँ पे एरो दे के डला हुआ है ये सी डॉट कॉन्क्रीट डॉट 148। तो देखो इसी में एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका लीडर, ठीक है, इसको आप टाइप भी कर सकते हो, अगर आपको आइकन ना मिले एम एल जैसी करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा एम एल डी से, आप बोलते हैं लीडर, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पे हमने टाइप कर दिया डॉट सी ओ एन सी 1:4:8, ठीक है, लिख दिया, लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, तो इसके लिए भी हम इसकी प्रॉपर्टी में एनोटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे लीडर, मल्टी लीडर की प्रॉपर्टी में, सेम वैसे ही सेटिंग आएगी, मॉडिफाई कंटेन टेक्स्ट की हाइट हमने वहाँ पे कितनी रखी थी 16, एरो की साइज रखी थी 22, इसको ओके करते हैं, सेट क्लोज, ये आ गए, ठीक है, इसको यहां पे सिलेक्ट करके ना हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और इसको मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। दोबारा से हम लेते हैं इसको और इसको क्लिक करते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अभी ये बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया सी डॉट कंक्रीट का रेशियो, तो लगभग हमारा जो बेस है 80 mm का वो ठीक हो गया है, पूरा करेक्ट हो गया है। मैं देख लेता हूँ इसमें और कुछ तो नहीं है, एक डायमेंशन और है, 2 वाली तो हम बाद में करेंगे, 2300 mm, यहाँ पे हमें इसे मीटर में ही एम एम में दिखानी होगी, लेकिन आप चाहते हो बिल्कुल ड्राइंग के जैसा यहाँ पे आए 2.3 mm। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसी से डायमेंशन मेजर करूँगा यहाँ पे, ये, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा जो टैक्स है इसका 2300, क्योंकि mm यूनिट है तो mm में दिखा रहा है, तो मैं 2.3 स्पेस कैपिटल M ये टाइप कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एलिशन, ये, तो
इसको भी लिख देते हैं साथ के साथ ही, कंप्लीट ही हो जाएगा बेस। तो इसके लिए एम टी टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है ज़ीरो, इसको कर लेते हैं हम 16 क्योंकि हमने यहाँ पे 16 साइज लिया है, यहाँ पे हम 16 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 16, और अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ एलिवेशन, ठीक है, एंटर। तो देखो यहाँ पे आ गया है एलिवेशन। M से मूव, M एंटर, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, क्लिक किया कहीं पर और इसको साइड में रख दिया जहाँ रखना है। अभी भी अगर छोटा लग रहा है तो स्केल, स्केल से किसी भी चीज़ को हम स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए एस सी एंटर, तो मैंने एस सी एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ से बढ़ाना है, किस पॉइंट से इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पे रखा और इस एच किया या वैल्यू डाल दी 3, एंटर, 3 गुना हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। एम से मूव, इसको थोड़ा और सेंटर में मूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ना 2.3, मुझे लग रहा है छोटा है, तो दोबारा एनोटेशन की प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे मॉडिफाई, और 16 की जगह पर 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो ये है आपका बेस। इसको भी अगर थोड़ा सा आप उठा के ऊपर की ओर कर दें यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा यहाँ पे, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली काम करना है जो देखने में सही भी लगे। ये तो इस तरीके से हमारा बेस तैयार हो गया। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते क्योंकि अभी 2 लेक्चर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें 2 लेक्चर नहीं लूंगा मैं, थोड़ा पहले ही आपको छोड़ दूंगा पूरा, पर अटेंड जरूर करना है। जैसे इसको भी मैंने अभी जल्दी छोड़ रहा हूँ इस क्लास को भी, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसको भी मैं इतनी देर तक नहीं उसे लूंगा, जल्दी से इसका बता के, इस ड्राइंग को बना के, तो उसको अटेंड जरूर करना क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। किसी को कुछ तो बताओ आपकी एक एक क्लास, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा बेस बन चुका था। देखो अब क्या करना है, हमें हमारा बेस बन चुका है, ये जो कंक्रीट का एक लेयर हमने थी, अब इसके ऊपर हमें ये आपका है 300 mm 30 सेंटीमीटर का एक ऑफसेट मारेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमें ये पॉइंट नीचे वाली लाइन पे माउस को मूव कराऊंगा तो जो ट्रायंगल बना हुआ आएगा, समझ लो वो आपका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से सीधी लाइन में एक ले लेता हूँ यहाँ तक के लिए, ठीक है, 90 डिग्री पे। ओ से ऑफसेट, 225 का ऑफसेट करना है हमें, इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ से और ये जो इंक्लाइन लाइन टच हो रही है, ये है आपका 700 mm, तो मैं इस लाइन का जो बेसिक बेस वाली लाइन, इसका ऑफसेट मारूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये इंक्लाइन लाइन मिल जाएगी।
ओ से ऑफसेट 700 टाइप करना है, ना ये मिल गया। फिर लाइन कमांड से हमें इसको कनेक्ट कर देना है। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है ई आर ए रेज से इस लाइन को और इस लाइन को इरेज कर देना है, ये रहा। ठीक है, अब इसको भी यहाँ मेजर कर लेते हैं, हम इससे इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करके इसको कर देते हैं 30 सेंटीमीटर, जैसा कि ड्राइंग में लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट। अब हम दूसरी तरफ 700 mm, 700 यानी कि 70 सेंटीमीटर हमने मेज़र किया था इधर, तो मैं यहाँ पे दोबारा मेज़रमेंट लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक। अच्छा, ये तो हो चुका है यहाँ पे, ये कितना है हमारा 700। लेकिन देखो, अगर मैं ऐसे यहाँ से मेज़र करता हूँ ना ये पॉइंट, तो ये लाइन ले रहा है यहाँ पे, पर अगर हम ड्राइंग में देखें तो हाँ, ड्राइंग में ग्राउंड लेवल है, पर एरो यहाँ पे दिखा रहा, तो हम ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेवल? ये ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे एक सिंबल होता है इस तरीके से, वो भी बना लेंगे हम। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से। तो मैं इसको इरेज करता हूँ लाइन कमांड से, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्टी टैग से लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं सी ओ से कॉपी, और ये जो एलिवेशन लिखा है ना, इसी को कॉपी कर लूँगा, इसी को एडिट कर दूँगा, यहाँ पे जी एल लिख दूँगा, डबल क्लिक ई डॉट एल। ठीक है, और यहाँ पे मैं वो सिंबल बना देता हूँ, इस तरीके से होता है। और ऑफसेट मारता हूँ इसका मैं, कितने का? 5 का। ठीक है, फिर हमारी कैसे होती है लाइन, किस तरह से बनता है वो, ऐसे फिर ऐसे, है ना? तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन, और का भी ऑफसेट एक बनाना है, कॉपी पेस्ट करना है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को उठाऊंगा यहाँ से, है ना, और इसको टी आर ट्रिम से यहां से ट्रिम कर दूंगा। इस तरीके से, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी, एक दो रख देते हैं बस। ठीक है, यहाँ इस तरीके से। और अब हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, इसको डबल क्लिक करके हमें कर देना है 70 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर हमारी ड्राइंग बनती जा रही है, इसी तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है। ऑटो कैड में क्या है ना, अगर जॉब पर्पस से देखोगे, ऑटो कैड में चाहिए क्वालिटी, ठीक है, और जल्दी बन जाए, है ना? तो ये बन गया है हमारा। इसके बाद ड्राइंग में क्या है देखते हैं आगे। एक है आपका प्लिंथ लेवल, उसका भी स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर पे दिया हुआ है, सॉरी, प्लिंथ लेवल बना लेते हैं। तो ये 700 है, तो ये ऑफसेट इसी का हम क्या करेंगे, इसी का ऑफसेट टीएल का ही 300 mm पे मार दे देंगे ऊपर, और जीएल को कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और उसको वहाँ डाल देंगे पीएल, प्लिंथ लेवल। तो ऑफसेट
ये आ गया, सी ओ से कॉपी, जी एल को कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया, डबल क्लिक करके इसको कर दिया हमने पी एल, ठीक है, सी ओ से कॉपी किया ये, अच्छा ये तो नहीं लगेगा यहाँ पे, और हम मेजर कर लेते हैं, ये, और इसको डबल क्लिक करके 1 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ पे ट्रिम करने के लिए इसको, क्योंकि ये इतना ही है ग्राउंड लेवल, ठीक है, इरेज इसको और इसको इरेज कर दिया, ये रहा। अब आगे चलते हैं हम ड्राइंग में, सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को यहाँ तक फिनिश करूँगा, ये यहाँ तक, ठीक है, 3 बार हैं, ये स्पेसिंग कॉलम में 40 mm होती है, 40 mm ले लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेसिंग कितनी दी हुई है, 25 cm 250 mm, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा मैं, उसको ऑफसेट मारता हूँ रहूँगा 250 तक जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑफसेट मारूंगा कितने का, 40 mm का, ऑफसेट ओ एंटर 40 सेंटर लाइन तो है हमारे पास, ये ऑफसेट मार दिया, ये ऑफसेट मार दिया, ठीक है, नीचे का भी रहने लेने दिया, और यहाँ से पूरा यहाँ तक कनेक्ट कर दीजिए और इसको ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, स्टीरअप हो गई। अब स्टीरअप की जो स्पेसिंग है इस तरह से स्टीरअप बनेगी, एक स्टीरअप ये, फिर 250 mm पे ये, दूसरी 250 mm पे ये, इस तरीके से, तो इसी का हम 250 पे ऑफसेट मार देंगे, ओ एंटर 250 एंटर, सॉरी ओ एंटर 250 एंटर, ये हो गया। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, डाउन की दबा के, सॉरी मैं दोबारा एंटर करता हूँ, ट्रिम ऑफसेट में एक और टूल है, देखो ओ एंटर 250 एंटर, इस पर क्लिक किया लाइन पे, फिर डाउन की, यहाँ मल्टीपल आ रहा है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मैं क्लिक करता जाऊंगा, ठीक है, ये हो गया, ये अब यहाँ पे आपको सिंबल, कंटिन्यूस का सिंबल होता है इस तरीके, तो मैंने लाइन ली, ठीक है, और मैंने यहाँ से लेके मैं थोड़ा सा माउस इस पे ले गया, फिर हल्का सा ड्रैग किया तो ग्रीन लाइन से हमें एक रेफरेंस लाइन मिल गई यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने दोबारा लाइन कमांड लिया, एक यहाँ खींची, टैब 90, हाँ बताओ, हमारी टाइप कर दो उसमें, अगर आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही आवाज, क्या क्या कह रहे हो, घर पे बात कर रहे हो, ठीक है चलो, ये कंटिन्यूटी का सिंबल बन गया, सिंपल मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे खींची वर्टिकल, एक लाइन,
ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें लिखना है यहाँ पे टैक्स, ये यहाँ पे एक टैक्स इसके बार लिए हमें लिखना है, मेन बार एक टैक्स इसके लिए लिखना है, और यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमें कंडीशन लगानी है। एक हमें इसके लिए लिखना है, क्या लिखना है, 4 बार 20 mm डाया के, 1 2 4 बार्स 20 mm डाया, 1 2 4 ठीक है। और दूसरा हमें लिखना है 60 mm के लिए, 6 यही 5 2 8 ठीक है। तो फोर बार 16 mm डाया, 5 2 8 स्पेसिंग लिखनी है हमें, और ये स्पेसिंग कितनी है आपकी, 6 mm टाइज 20 सेंटीमीटर, 6 mm का 25 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। सिक्स एम एम डाया, 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें, ठीक है, ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखा रखी है, वो कितनी है, 24D। 24D का मतलब है 24 × 20, यानी कि ये हो गया आपका 480 mm, ठीक है। 20 क्या है, डाया ऑफ मेन बार, यहाँ पे हमें डबल डबल दिखाना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ से देख ले एक बार ड्राइंग देखता हूँ, अच्छा यहाँ से ओवरलैपिंग है। मैं क्या करता हूँ, इसी का ऑफसेट मारता हूँ 480 स्टीरअप का, बस रिफरेंस लाइन के लिए, ये मिल गया, यानी कि जो हमें बनानी है ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ तक बनानी है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का इस लाइन का एक ऑफसेट लेता हूँ, कितना, 2 mm, 2 mm कम है, मैं ले लेता हूँ 4 mm, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और TR डबल एंटर से मैं अंदर वाले ट्रिम कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा ट्रिम कर दी, यहाँ तक ट्रिम करनी है। ये ट्रिम करनी, ठीक है, ये देखो। और इस लाइन को इरेज कर देंगे जो रेफरेंस के लिए हमने बनाई थी, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको हल्का सा लगेगा, थोड़ा और थिकनेस थिकनेस बढ़ा सकते हो आप, कि यहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, मेजरमेंट वाले टूल को यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक, और ये, और इस पे डबल क्लिक करके लिख देंगे हम 24D इस तरीके से।
ठीक है, ये हो गया। अब आते नीचे वाले पार्ट पे हम। 12D का कर्व है, ये स्पेसिंग नहीं है गिवन, ये वाली स्पेसिंग गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे कुछ। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें कुछ चीज शो करनी है ना। 18 बार 12 mm, और यहाँ पर भी बार बनाने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चीज हम बिल्कुल भूल गए यहाँ पे, हमने लेयर पे काम किया था, एल ए लेयर, और हमारा जो जो टेक्स्ट था उसका अलग लेयर थी, स्टील की अलग लेयर थी। तो सबसे पहले मैं स्टील की एक्टिवेट करता हूँ डबल क्लिक करके, और लेयर को क्लोज किया, एक लाइन खींची मैंने, ये येलो कलर की आ रही है क्योंकि येलो कलर स्टील के लिए। अब MA कमांड होता है प्रॉपर्टी मैच के लिए, यानी कि इस येलो लेयर को मैं इसकी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ स्टील के लिए, क्योंकि येलो लेयर किसके लिए है, हमारी स्टील के लिए है। तो MA एंटर येलो लेयर पे क्लिक किया। अब मैं रिइंफोर्समेंट जो सब पे क्लिक कर दूंगा, ये हो गया रिइंफोर्समेंट। और जो टेक्स्ट है उसके लिए लेयर कौन सी थी हमारी, टेक्स्ट के लिए थी ये वाली लेयर रेड कलर की, इसको एक्टिवेट किया और एक लाइन खींची मैंने रेड वाली, और अब MA रेड पे क्लिक किया, और जो बाकी हमारा है सारा कुछ वो रेड, सॉरी टैक्स है ना केवल रेड में, तो इस पे क्लिक किया और केवल जो डायमेंशंस है हमारी, टैक्स हमारा हो गया रेड में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं जो ये लाइन खींची थी हमने। तो ये इस तरीके, इसमें जो आउटर लाइन है कॉलम की है तो वाइट ही रहेगी, तो मैं पहले तो लेयर कंक्रीट वाली कर लेता हूँ, फिर MA कमांड, ये तो वाइट ही रहेगी, ठीक है, और कुछ चेंज तो नहीं हुआ, ठीक। ये इस तरीके से बनेगा। अब देखो मुझे स्टील बनाना है, तो स्टील वाली लेयर में एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये गैप नहीं दिया है यहाँ पे, जो एक लेयर बिछी हुई है उसका गैप नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर ये वाला भी गैप नहीं दिया हुआ है। इसको 50 mm मान लेते हैं, इसको 20 mm मान लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ऑफसेट मारते हैं इस लाइन का, ओ एंटर 20 mm, ओ एंटर 20, यहाँ से ऊपर ऑफसेट मार देता हूँ, सॉरी मुझे लेयर स्टील की लेयर है एक्टिवेट, क्योंकि ऑफसेट मैंने इस लाइन का मारा है इसलिए ये वाइट आई है, तो मैं इसको बना देता हूँ येलो। ऑफसेट 50 का लेना है मुझे यहाँ से स्पेसिंग के लिए, ये केवल रेफरेंस लाइन लेता हूँ मैं ऑफसेट, जो मुझे पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ पे अब ये पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। एंटर, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक, ठीक है। अब क्या है, मेरे को ओ सी से सर्कल बना रहा है, क्योंकि 12 डायमीटर का एक सर्कल है। 2 पॉइंट सर्कल लेंगे, 2 पॉइंट क्या होता है इसको समझ लो, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो वो एक पॉइंट से सर्कल ड्रॉ होता है और इस तरीके से रेडियस दिखाता है और इस तरीके से सर्कल बनता है। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट सर्कल लेता हूँ तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सी से एंटर, सी एंटर मैंने क्लिक किया और इधर को सेंटर से ले रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट लेता हूँ, सी एंटर डाउन की 2P, अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये देखो अब यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट से ये फायदा होगा कि यहाँ से कनेक्ट, अगर मैं सेंटर पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ से सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे। 2 पॉइंट लेता हूँ तो मेरे को सर्कल ऐसे मिल जाएगा,
है ना। तो सी से सर्कल 2 पॉइंट, और मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ 18 mm का है, ये हो गया 18 mm, ये भी मेरा थोड़ा इधर बन गया, ऐसे मूव कर लेता हूँ ये। और एक और सर्कल लेता हूँ मैं, ये भी 2 पॉइंट, ये भी यहाँ से ऐसे बनेगा 18 का, ठीक है। और इसको फिर TR डबल एंटर ट्रिम कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी। और TR डबल एंटर इसको कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमारा इसको हैच करना है सॉलिड, एंटर। अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो कुछ इस तरीके से ही है ये। ये रहा डायमेंशन नहीं दी तो हमने अपनी तरफ से बनाया है ये। अब इसको सर्कल को कॉपी करते जाना है, कितना, 18 बार, या 18 बार भी ना हो एग्जैक्ट तो हमें बस लिखना है यहाँ पे 18 बार 12 mm, ठीक है। जैसे कि 12 mm लिखा हुआ है और मैंने कितना का सर्कल बनाया है, 18 mm का, जिससे थोड़ा बड़ा और दिखेगा इसलिए। पर हम लिखेंगे 12 क्योंकि साइट इंजीनियर जो है वो इस लिखे हुए को पढ़ेगा, ना कि इसका डाया मेजर करेगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसको, ऑफसेट ही लेते हैं अभी इसमें, ऑफसेट स्पेसिंग ले लेते हैं 150, और इसको सेलेक्ट किया, और सॉरी ऑफसेट, ऑफसेट 150, एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर, एरे से बना लेते हैं, ऑफसेट नहीं ले रहा तो एरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पाथ ले लिया क्योंकि इस पाथ के अलोंग, तो इस पाथ पे क्लिक किया, ये बन गया। यहाँ पे ले लेना है आइटम, स्पेसिंग 150 कर देते हैं, एंटर, ठीक है। ये बार्स बन गए हैं लेकिन एक बार बाहर चला गया है। अब इस एक बार को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या कमांड होता है, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड एरे के कम एलिमेंट्स को अलग कर देता है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लोड कमांड लूंगा, एक्सप्लोड सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया। अब देखो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, इनको डिलीट कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें एक बनाना है इसी तरीके से। पहले तो यहाँ पे एक कम पड़ रहा है तो इसको मैं उठा के कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ एक, ठीक है। और मूव करा के, थोड़ा सा रफली होता है ये क्योंकि ड्राइंग प्रॉपर नहीं है, ये बना लेता हूँ। और फिर एक सर्कल 2P वाला यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 18, ठीक है। और TR डबल एंटर, ठीक है, ये कर दिया। और इरेज से हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज कर दी इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये बार जो है 12D मुड़ा हुआ है ऐसे, ये जो स्पेसिंग है 12D है, 12 यानी कि 20, यानी कि हो गया 240, ठीक है। तो 240 हम क्या करेंगे, और ये स्पेसिंग नहीं दी हुई है कहाँ से बैंड हो रहा है, मान लो ये बैंड हो रहा है तो ये स्पेसिंग हमारे पास नहीं है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ पे इसको 12 यानी कि 240 कर देता हूँ इस लाइन को। और यहाँ से 240 इधर, ठीक है, सॉरी ये गलत ले लिया मैंने, ये 240 लेना है यहाँ से,
आ गया। अब यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। इनको इरेज कर देते हैं जो ठीक है, अभी देख लेंगे जो चीज जो जो डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। अच्छा ये भी यहाँ था कि 12 डी है, ठीक है 12 डी हमें मिल चुका है। कर्व ले लो या तो कर्व से कर दो, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से क्लिक। ठीक है इसी का एम आई से मिरर होता है, मिरर अभी बता देता हूँ मैं। इस पर क्लिक किया और ये मिरर देखो यहाँ पे लग गया। ठीक है और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ किसके लिए, इसको ट्रिम करने के लिए, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर दो, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। इस तरीके ये देखो ठीक है 12 डी ये डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ ये कहाँ से है डिस्टेंस, ये यहाँ से डिस्टेंस है ठीक है, यहाँ से इस पे डबल क्लिक किया 12 डी। ठीक है ये डिस्टेंस है और आपका ये कॉलम भी यहाँ से ट्रिम होगा। ठीक है इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है ये। ठीक है और इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल के लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरा चौथा लेक्चर चल रहा है और लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो इस लेक्चर को यहीं पर हम रोकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।